हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सुजुकी एक्सेस में एंटी थेफ्ट अलार्म इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मंगवाया है जो कि अभी इंस्टॉल करेंगे अपनी एक्सेस में। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी कोई बाइक हो या स्कूटर, उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही ईजी इसको लगाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ आपको फीचर्स के दिख जाते हैं, चलिए इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिलता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसमें मिलता है ये इसका रिमोट, जो कि मैंने अपनी एक्सेस की चाबी में लगा दिया। और उसके बाद इसका मेन मिलता है, मेन कंट्रोलर जिससे साउंड आती है, सेंसर वो मिलता है आपको। तो फ्रेंड, ये आपकी कहीं भी बॉडी में आपको लगा देना है, जिससे कि कोई भी आपकी गाड़ी में टच करेगा तो इसमें से साउंड आने लगेगी। और फ्रेंड, इसमें देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो फ्रेंड्स, आपको एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, में बैटरी पड़ के आती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ जिप टाई मिल जाएगी, जिससे कि आप इसको कंट्रोलर को लगा सकते हैं। और इसका कुछ मिल सकता है, मतलब गैपिंग के लिए। और यहाँ पे आपको टेप मिलता है, डबल साइड टेप, और एक स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है, जिससे कि कभी आपको इसकी बैटरी वीक हो जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा चलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, को इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका रिमोट। तो फ्रेंड्स, अब आपको लॉक करके दिखाते हैं, मतलब जैसा कि हमने लॉक किया, इसको कोई टच करेगा तो इसमें से आवाज़ आएगी, मतलब अलार्म आपका बजने लगेगा। और यहाँ से आप अनलॉक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मान ली आपने गाड़ी खड़ी करी, तो आप इसको लॉक लगा दें, कोई भी आपकी गाड़ी को टच करेगा, मतलब चोरी करने की कोशिश करेगा, तो गाड़ी में से अलार्म बजने लगेगा। और फ्रेंड, इसमें को लगाने के लिए आपको कोई भी वायर कट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो फ्रेंड, नोज कवर के अंदर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसको खोलने के लिए आपको यहाँ पे दो स्क्रू दे रखे हैं, वहीं पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए इसको खोल लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, दोनों ऊपर के हमने स्क्रूज़ खोल लिए। अब नीचे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक लॉक दे रखे हैं, दो, तो वो लॉक भी हमको खोल लेना, जिससे कि हमारा नोज़ कवर जो है फ्रंट का वो निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे लॉक पे प्रेस करना है, जिससे कि हमारा लॉक खुल जाएगा ईज़िली। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है निकालना। तो ये हमारा देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, लॉक खुल गया। ऐसे दोनों साइड का निकाल लेना है। और फ्रेंड्स, फिर लगाना कैसे वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, दोनों लॉक को भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे दोनों लॉक और स्क्रू खुल गए। तो फ्रेंड्स, इसको इस तरह से हमारा नोज़ कवर बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको साइड में रख के, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अलार्म को। तो फ्रेंड, हम इसमें जिप टाई नहीं लगाएंगे, हमने इसमें डबल साइड टेप लगाया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस है, तो यहीं पे अपना अलार्म को हम ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसमें कोई भी आपको वायरिंग का कनेक्शन नहीं चाहिए, कोई भी वायर आपको नहीं लगाना कहीं पे, तो बस एक जगह सेफ जगह इसको ईज़िली प्लेस कर देना है। चलिए फ्रेंड, अब इसको चेक करते हैं हमारा रिमोट अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा अनलॉक बटन, और उसके बाद है इससे आप टोन बदल सकते हैं, मतलब जो सी आपको टोन लगानी है वो सेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अलार्म है, मतलब इससे आप आवाज़ को लो या हाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब लॉक करके देखते हैं कि हमारा लॉक वर्क कर रहा है कि नहीं। अच्छा, तो फ्रेंड्स, अब इसमें लॉक मोड एक्टिवेट हो गया है, तो जैसे भी कोई हमारी गाड़ी को टच करेगा तो इसमें से साउंड आएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा ये, मतलब हर गाड़ी को में इसको इंस्टॉल करना चाहिए, मतलब कोई भी हमारी गाड़ी में बैठ के कुछ भी कर देता है, तो इससे हमें गाड़ी अगर बाहर खड़ी तो पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और यह एंटी थेफ्ट अलार्म आपको कैसा लगा। और अगर आपको बाय करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसका लॉक लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, लॉक लगाने के लिए आपको ऐसे लगाना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। थोड़ी सी जो इसकी नीडल आपको बाहर ले लेना है, उसके बाद आपको लॉक फिट करना है, उसके बाद जो ये है इसको प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारा लॉक एकदम बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड, देख सकते हैं दोनों साइड ऐसे ही करना है, हमारा लॉक ये लॉक हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, गाड़ी बांध लेते हैं जैसे हमने खोली थी, दोनों लॉक लगा के, स्क्रू लगा के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए ही इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, घर पर रहें और मास्क ज़रूर लगाएँ। और फ्रेंड्स, और भी वीडियोस आएंगी एक्सेस के मॉडिफिकेशन में, ये तो अभी शुरुआत है। फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।